सिया, तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ मामा, आई एम वेरी श्योर। और मुझे तो ये भी यकीन है कि उनकी तबीयत खराब होना भी एक बहुत बड़ा नाटक है। उन्होंने ये सब मुझे नीचा दिखाने के लिए किया होगा। हे भगवान, जो औरत तुम्हारी कॉफी में नींद की गोलियां मिला सकती है सिया, वो तो कुछ भी कर सकती है। आज नींद की गोली मिलाई है, कल को कुछ भी मिला के पिला सकती है। हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना। मामा, मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि निकिता जी ने क्या किया है और वो क्या कर सकती है, क्योंकि वो तो मेरे लिए मायने ही नहीं रखती। मुझे सिर्फ इस बात की चिंता है कि राम मुझ पर भरोसा नहीं कर रहा है, मेरा यकीन नहीं कर रहा है। मामा, राम मुझे गलत समझ रहा है। राम बेटा। अरे माँ, माँ आपकी तबीयत खराब है ना, आप क्यों कमरे से बाहर निकले? अब जाइए, आराम कीजिए। बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो हमारी दुबई वाली कंपनी है ना, उसका एक बहुत बड़ा टेंडर पास हुआ बेटा, अब मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ जाओ। माँ टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ये सारा काम मैं करूँगा, अब जाइए आराम कीजिए। गुड मॉर्निंग माँ, आप कैसे हैं? कमाल है ना, एक ही दिन में हम दोनों की तबीयत खराब हो गई, अब आप ठीक है ना? बस यार, इतना सब कहने की क्या जरूरत है? कल रात को तुम कहाँ थी जब माँ की तबीयत खराब थी? I'm so sorry, राम। लेकिन वो क्या है ना कि कल रात को मैंने नींद की गोलियां खा ली थी। राम, एक तो सुबह तुम गुस्से में चले गए, पूरा दिन मेरा सर दर्द करा था, इसलिए एक नींद की गोली खा के सो गए मैं। माँ, अगर गुस्से में मैंने आपसे कुछ उल्टा सीधा कहा हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज माँ। माँ, ये क्या माँ, आपने मुझे माफ नहीं किया? अगर मेरी जगह राम होते तो आप उन्हें माफ करती ना, है ना? हाँ माँ, तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है, उसे माफ कर। हाँ, थैंक यू माँ। राम, मैंने माँ के जनरल चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट लिया है, डॉक्टर से बात भी हुई है। माँ, आप 4 बजे तक तैयार हो जाइए। हेलो, सूर्या नर्सिंग होम जी, मैं नाथ परिवार की बहू बोल रही हूँ, सिया जी। हाँ, एक्चुअली आई वांटेड टू मेक अ रिजर्वेशन फॉर अ रूम। मेरी माँ एक जनरल चेकअप के लिए आना चाहती हैं, डॉक्टर लुथरा ने उन्हें एग्जामिन किया था, उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है और ऑब्जर्वेशन में रखना है। थैंक यू सो मच। सिया, मेरी बात तो सुनो। राम प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे बहुत काम है। सिया, मुझे भी तुमसे बहुत काम है, और वो मैंने नहीं किया ना तो जिंदगी भर पछताता रहूंगा। सिया, I'm sorry। पता नहीं क्यों सिया, मैंने तुम्हें गलत समझा। सिया, मुझे माफ कर दो। नहीं राम, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, इसीलिए शायद तुम्हें मुझे कुछ भी कहने का हक है ना? नहीं सिया, ऐसी कोई बात नहीं। राम, मैं चाहे कितनी भी कोशिशें क्यों ना करूं, तुम्हारे मन में ये बात कभी आ ही नहीं सकती ना कि मैं कभी गलत नहीं हो सकती, मैं इस घर का कभी बुरा नहीं चाहूंगी। सिया प्लीज, प्लीज तुम ऐसे मत कहो, ऐसी कोई बात नहीं है। राम, लड़की के माता पिता चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लड़के को उन्हें कुछ भी कहने का, उन्हें कुछ भी सुनाने का हक होता है, क्योंकि वो उसके सामने बेबस हो जाते हैं। सिया प्लीज, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। मैं नहीं जानता था कि तुम टैबलेट खा के सो रही हो और तुम्हारी तबीयत भी खराब है, मैंने सोचा कि तुम लापरवाह हो गई हो माँ की तरफ से। राम प्लीज, एक पति को पता होता है या तो उसकी पत्नी अच्छी होती है या बुरी होती है, और इसी बात से उन दोनों के बीच में एक विश्वास की डोर बंधी होती है।
लेकिन तुम्हारे बर्ताव से ऐसा लग रहा है जैसे जैसे तुम्हारी नजरों में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, हम दोनों के बीच में कोई विश्वास ही नहीं है। सिया, हालातों के कारण विश्वास की वो डोर मेरे हाथों से छूट गई थी, लेकिन अब मैंने उसे मजबूती से थाम लिया है। ठीक है, तुम नहीं मानोगी ना? सिया प्लीज। अच्छा बाबा, अब तो मैं कान पकड़ता हूं, अब तो मुझे माफ कर दो प्लीज। तो तुम माफ नहीं करोगी? तो तुमने सोच लिया कि तुम मुझे माफ नहीं करोगी? ओके, एक, दो, तीन, चार। तुमने मुझे माफ कर दिया? पक्का? कान छोड़ू? थैंक्स सिया। सिया वो देखो, बस का छोड़ो, ये सुनो एक बार। नहीं नहीं प्लीज, आई वांट टू कंट्रोल माय सेल्फ, सो फनी। लेट्स डू समथिंग, बट आई एम टेलिंग यू एवरी क्या कर रहे हो तुम? Just behave yourself. Hey! Mind your own business, okay? क्या mind your own business? एक तो मेरे cabin में आकर तुम बदतमीजी करते हो और मुझे कहते हो mind your own business. एक तमीज की बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती आदित्य। तुम छोटे लोग अपनी औकात दिखाई देते हो। बड़ी parasites? पहले तो हमारे घर में घुस गए, उसके बाद हमारी जायदाद में हाथ मारा, और अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रहे हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड? ए, अभी ज्यादा बनने की कोशिश मत करो, ओके? चलो मिशन। माइंड योर ओन बिजनेस, ओके? एक तमीज की बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती आदित्य। छोटे लोग अपनी औकात दिखाई देते, पहले तो हमारे घर में घुस गए, उसके बाद हमारी जायदाद में हाथ मारा, और अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रहे हो? आदित्य, प्लीज। मिशेल प्लीज लीव मी अलोन। आदित्य मेरी बात तो सुनो। अब कुछ सुनने को बाकी नहीं है मिशेल, तुम पहले ही मेरी बहुत बेइज्जती कर चुकी हो। मैंने कुछ नहीं किया आदित्य। कुछ नहीं किया तुमने? कुछ नहीं किया तुमने? सबके सामने तुमने मेरा तमाशा बना दिया है। उस सनी के आगे तुमने मेरा सर झुका दिया। तुम्हें पता मैं कितना छोटा महसूस कर रहा हूँ इस वक्त? कुछ नहीं किया मैंने मिशेल, मुझे कोई शौक नहीं है किसी और की गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट करने का। और तुमने तो मुझे ये तक नहीं बताया कि तुम सनी की गर्लफ्रेंड। मैं सनी की गर्लफ्रेंड थी। क्या? हाँ आदित्य, मैं सनी की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अब उसका असली रूप देखने के बाद मेरा उसे कोई लेना देना नहीं है। मैं इंडिया आई तो थी नौकरी के लिए, लेकिन उस दिन आपने मेरा इंटरव्यू ले लिया
और मैंने भी कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे नौकरी की जरूरत थी। और शायद अगर उस वक्त मैं तुमसे कहती कि मैं सनी से मिलने आई हूँ तो शायद मुझे नौकरी नहीं मिलती और फिर उसके बाद कहने का मौका ही नहीं मिला। आदित्य, मैं लंदन में बहुत अकेली हो गई थी। मेरे मम्मी पापा के बीच में डिवोर्स हो गया तो मैं इंडिया अपना अकेलापन दूर करने के लिए आई थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी किस्मत मेरा पीछा यहां तक नहीं छोड़ेगी। यकीन मानो, सनी के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन अब मैं यहाँ काम नहीं करूंगी, मैं रिजाइन कर दूंगी। मिशेल, मिशेल प्लीज डोंट क्राई। देखो, मुझे इन सब बातों का पता नहीं था, इसलिए शायद मैं ऐसे रिएक्ट कर लिया। मिशेल प्लीज रो मत। देखो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। You will work right here. That's an order. एक और बात, देखो तुम कभी मेरी बातों का बुरा मत मानो। Because it's just that I really care about you. शाबाश बाबू। हाँ, बाबू को बहुत अच्छा लगा ना। अरे, सब खत्म हो गया, बाबू ने सब खा लिया। हाँ, इतना अच्छा लगा बाबू को। लीजिए मैम साफ पानी। मोहन जी, थोड़ा सा और लेके आना ना, आज मोनू को बहुत भूख लगी है। अले अले, अपने बाबू को भूख लगी। मोहन, तब से बुला ली हूँ, भैले हो दे हो क्या जी? वो क्या जी, जी मैं तब से तोहफी मांग ली हूँ, भैले हो दे हो? मैम साहब सचमुच सुनाई नहीं दिया। हाँ, इसलिए तो तैली हूँ कि तुम भैले हो दे हो, जाओ मेरे लिए टॉफी लेते आओ। जी मोहन जी, पहले मोनू के लिए खाना ले आई। पहले तुम मेरे लिए टॉफी लेते आओ। मैंने भी कहा ना, पहले मोनू के लिए खाना। मैं तुम्हें तब से आवाज दे रही हूँ, पहले लाने को मैंने कहा था। सोनिया, अगर तुम्हें इतनी जल्दी है तो जाते खुद लेते आओ। एक मिनट मोहन, इसे अंदर लेके जा। अले ले ले मेरा लाजा बेटा, आ जा घर चलते अंदर चलते। हाँ, तो क्या कह रही थी तुम? क्यों, तुम्हें भी सुनाई नहीं देता क्या? मैं कह रही हूँ कि अगर इतनी जल्दी ही है तो खुद क्यों नहीं ले आती थाना? जल्दी तुम्हें है, तुम क्यों नहीं अपनी कॉफी बना लेती? अले इतना काम तलवाती हो मोहन से, तुझ तो सोचो। वही तो मैं कह रही हूँ, सारा दिन बस महारानियों की तरह बैठे बैठे हुक्म चलाती हो, अपने कमरे में ही सब मंगवाती हूँ। सोचना तुम्हें चाहिए। दे तो सोनिया, मैं झगड़े के मूड में नहीं हूँ। तुम्हारे टोन से तो ऐसा नहीं लगता। दे तो, इतने दिनों से मैंने तुम्हें कुछ कहा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे जो भी मन में आए वो कहती जाओ। अच्छा, वरना क्या बोलती तुम? मैं भी तो सुनू। लहने दो, मेरा मुँह मत खुलवाओ, वरना बहुत पछताओ दी। तुम्हारे मुँह से जैसी बातें निकलती है ना, उसे देख कर तुम अपना मुंह बंद ही रखो तो अच्छा है। सोनिया, चिल्लाओ मत, मुझे शोर पसंद नहीं है। एंड एक्सक्यूज मी, मुझे अपने बच्चे को खाना खिलाना है। दूसरे तब बच्चा लिए फिरती हो और कहती हो मेला बच्चा। जबान को लगाम दो नंदिनी, मोनू मेरा बेटा है और अगर किसी ने मेरे बच्चे के खिलाफ बोलने की कोशिश की तो मैं उसकी जबान काट लूंगी। तो मेरी जबान काटो दी, तुम्हारी ये हिम्मत? हिम्मत की बात मत करना, वो तो मैं अब शांत हो गई हूँ। अगर पहली वाली सोनिया होती तो तुम्हें इतना कुछ कहने का मौका ही नहीं देती, तुम्हें पहले ही बता देती कि तुम्हारी जगह क्या है और मेरी जगह क्या। हाँ हाँ, तुम्हारी जगह और तुम्हारी औकात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे, एक बाल पति से थकलाए जाने के बाद
तुम उसी ते धर्म में उसी ते तर्कों में पली हो। जी, शलम भी नहीं आती तुम्हें। आतिश मेरे पति हैं। पल्लू से पल्लू जोड़कर जब हमने ये बंधन किया था तब कसम खाई थी कि जीते जी तो क्या, मरने के बाद भी ये बंधन नहीं टूटेगा। वो जहां भी और जिस हाल में भी मुझे रखेंगे मैं रहूंगी। मैं उसी वचन का पालन कर रही हूं, अपने पति के घर में शान से जी रही हूं। लेकिन तुम लोग किस हक से हो यहां पर? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा पति यश भी कोई काम नहीं करता। अरे मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो तुम लोग दूसरों के घर में। क्या क्या कहा तुमने? हम मुफ्त की रोटियां तोले और तुमने मेरे यश तो नितम्मा था। ओ माय गॉड, इतनी बेइज्जती। यश यश ककड़ी जैसी आंखें तररारा तररारा, ये फेस पैक जैसे गाल तररारा तररारा, जब से देखा नंदू हुआ है बुरा। यश यश नंदू, आई टेल यू आई एम रियली फीलिंग वेरी कूल। वेरी कूल, लेकिन मेरे अंदर ज्वालामुखी फूट रहा है। ओह रियली, लेट मी सी। ओह वाकई में तुम्हारा चेहरा कुछ चला चला सा लग रहा है। चला माय फुट। यश तुम बस ये सब तुझी तलते लेना और वहाँ पर लोग ताने माल माल दल मिला बुला हाल तल ले हैं। ओह माय डार्लिंग, तुम्हें याद है वो गाना? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए नैना। यश नंदू, माय डार्लिंग, लोगों का काम है कहना, उनको ध्यान मत दो। We are the perfect couple. So they are going to be jealous. You understand? By the way, ये देखो, ये मैंने तुम्हारे लिए फेस पैक बना के रखा है। इसे जल्दी से लगा लो, नहीं तो अंदर ही सूख जाएगा। क्या मैटर वाकई में इतना सीरियस है? उसने इतनी हिम्मत, वो दहलिए थी, हम यहाँ थैलात पर ले ले हैं और हम मुफ्ती लोटियां तोड़ ले हैं। बस हो गया यश, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। नंदनी, उसने ऐसे ही गुस्से में कहा होगा। उसने जैसे भी कहा हो, लेकिन अब मैं और नहीं सह सकती। तो क्या हम यहाँ से चले जाएं? जाने की बात कौन तल रहा है? तो फिर मैं क्या क्या करूँ मैं? यश तुम तो दाम तलो दाम। काम? मैं काम? क्यों? हाँ हाँ हाँ, लेकिन क्या काम करूँ? तुझ भी तलो, मजदूरी तलो, पत्थर तोलो, ठेला चलाओ, तुझ भी तलो। पर नंदनी, तुम तो हीरोइन बनने वाली थी, इसलिए मैंने कुछ काम नहीं किया। और तुम्हारा काम कौन फिर देखता? और वैसे भी अगर मैं आज भी काम ढूंढने जाऊँ ना तो 10 नौकरियां मिल जाएंगी मुझे। हाँ वो तो वो तितली जी ने तुम्हारी उस तितली थी बच्ची ने अच्छा झांसा दिया हमें, खुद तो शूटिंग कर लिए और हमसे पैसे भी ऐंठ लिए। अपना यश मैं उसी दी चाल उस पर चलूंगी।